नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अगले लगभग 3 महीने में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं कॉलेज के, और इन चुनाव के अंदर पिछली बार जो JNVU का चुनाव था वो आपने देखा किस तरीके से अरविंद सिंह भाटी जीते। रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार मोती सिंह जोधा अध्यक्ष पद की दावेदारी फिर से कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने अध्यक्ष पद की दावेदारी करी थी, पूरी तरीके से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन समाज की जब जिस तरीके से बात आई और समाज के बीच समझाने को लेकर दो प्रत्याशी एक ही समाज से हो गए थे, और वहीं मोती सिंह जोधा को टिकट मिलने वाली थी पिछली बार, लेकिन टिकट नहीं मिली ABVP की। उसके बाद रविंद सिंह भाटी और जो पुराने जो छात्र थे सीनियर्स, उनका समर्थन मिला, और मोती सिंह जोधा को भी फिर उनके समर्थन में लेकर आए। और मोती सिंह जोधा ने कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा जो उनका जो स्टेप था, सभी लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा कि मोती सिंह जोधा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है समाज के लिए, समाज हित के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने जो किया वो आज भी लोग याद रखते हैं। और इस बार ये पोस्ट देख सकते हैं, ये पोस्ट उन्होंने लगभग 2 से 3 दिन पहले ही डाली है अपने फेसबुक पर, और साफ साफ उन्होंने इस पोस्ट के नीचे लिखा है अध्यक्ष पद हेतु, यानी कि इस बार जो पिछली बार कह रहे थे और सभी लोगों ने भी कहा था कि वो मोती सिंह जोधा का अगले चुनाव में साथ देंगे, तो फिर इस बार मोती सिंह जोधा को अगर ABVP की टिकट नहीं मिलती है तो शायद निर्दलीय भी वो बाजी मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिलेगा इस बार और भी ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने त्याग किया है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट में आया अरविंद सिंह भाटी के, उसका भरपूर समर्थन उन्हें मिलेगा। और जिस तरीके से अब ये मान लीजिए कि वो तैयारी में लग गए हैं, तैयारी में तो पिछले साल से ही थे, लेकिन अब इस बार के चुनाव में और भी ज़बरदस्त जो होने वाला है, कहीं ना कहीं ABVP भी सोचेगा और सोच समझ कर हो सके तो शायद टिकट मोती सिंह जोधा को ही मिल सकती है। अगर नहीं मिलेगी तो शायद कहीं ना कहीं ABVP के लिए ही दिक्कत हो जाए। पिछली जो दोनों बार से जो हुआ है, एक बार निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से वो अपने दम पर जीत कर आए, तो इस बार क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। बाकी मोती सिंह जोधा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जय हिंद, जय भारत।